नमस्कार दर्शक बंधु, आमर स्तुति चिंतामणि कार्यक्रम को आपण मान स्वागत। यह कार्यक्रम आम सहित अच्छा ओडिशार स्वनामधन्या कंठशिल्पी सुश्री शैलभमा महापात्र एवं अच्छा श्रीजुक्त रवींद्र महापात्र। पूर्व अध्याय आम स्तुति चिंतामणि ग्रंथर द्वाविंश बोली को सुंदर भाव आलोचना करते अध्याय त्रयोविंश बोली को आलोचना करवा एवं भाक्तिक व्याख्या करने कसा बास परी हरिण श्री अंगे कारुण्य मूर्ति साजे समबरसा नाही स्थिति बसा क्षणे न रहन्ति काहे समारी बसती मेरी कसण कहिबी केते निरंतर प्रभु कष्ट पाउछन्ति भक्त मानंक निमन्ते। भक्तंक पई भगवान कष्ट पाउछन्ति ए कथा अनेक स्थान रे देखा जाइछि। भक्त को माड़ होइछि किंतु भगवान को ठारे दाग होइछि अनेक दृष्टांत अछि। तेबे संत कवि भीम भई कहउछन्ति सेई महिमा गोसाईंकर स्वरूप कसाय वसन पिंधिचंती करुणार मूर्ति से पुरुष रत्न से मोर जीवनर धन कोटि कला धरी से विजे हेइचंती। नाही ग्रीष्म नाही वर्षा तांकर स्थिति नाही बास नाही क्षण केऊ स्थान रे स्थिर होई रहंती नाही। निजे भगवान से बुलुचंती निरंतर भ्राम्यमाण ब्रह्मांड को रक्षा करिबा पाई से निरंतर सदा सर्वत्र परिभ्रमण करुछन्ति। नाही क्षुधा नाही तृषा क्षुधा तृषा मारी दिवस तिमिरी केते कहिबि तांकर कषण दुख। निरंतर प्रभु जोग साधना करुछन्ति केवल भक्तमानक पाई भक्तमानकर भाव को ग्रहण करिवे तांकु सुरक्षित रखि अल्प सिद्धिरे साधनानु हई बड़ाई आश्चर्य कथा बिकल भगत सकल संभाली हरे घाए सर्व सिद्धि
सुज्ञानार चिन्ही धरी धार जाचि देउछन्ति धर्म संत कवि भीम भई कहते अल्प सिद्धि से साधना हम ना बड़ आश्चर्य कथा प्रभु हृदय लेखा पड़ी लेखा त्रिभुवनर वार्ता स्वर्ग मर्त्य पाताल सबुर वार्ता सबुर कथा हृदय अच्छी से प्रति निमिषरे प्रति प्रदेशर देश विदेशर तीनि पुरार वार्ता जानी परुछंती भक्तमान को आह्वान करी संत कवि कहउछंती हे भक्तवृंद तुम्हें विकल हो ना सही जाओ संभाली थाओ रे घाए ए घा को संभाल ए जो कष्ट को संभाल एका दिवसे सर्वसिद्धि करिवे उदय ठारु अस्त जाए गोटे दिन चबीश घंटा नुहे बार घंटा सूर्य उदय रु सूर्यास्त केवल दिवस सकल सिद्धि करिवे से जहाँ चाहिए ताहा करदेवे समूले पाप पंक को विनाश करी से पुण्यर प्रकाश करिवे विकास करिवे साधु सुज्ञ नर चिन्नी धरी धर हे सुज्ञ नर माने साधु माने चिन्ह एवं धर से अभय पदार बिंद को धर जाची जो देउछंती धर्म जाची के धर्म दौछन से धर्म को ग्रहण कर 37 अंक आग को जे रहिबो होइबो नुवारी जन्म 37 अंक परे एक निर्दिष्ट समय व्यवधान रे जेतेबेले कलिकाल समाप्त हबो ता आग को अर्थात खंड प्रलय परे जो माने रहिबे जानिबे से नुआ जन्म पाइले यहीपरि वार्ता देइछन्दे संत कवि भीम भोइ नाना पापे नाश जीवन रंश कहारी नथिब चारा पतिता पामर पापिष्ठ सकल ए जीवे नाश हेब सर्व जेते धन द्रव्य महादुरुदशा नाना पाप हब पापर भारे धरणी अतिष्ठ हब भगवान जन्म ने नरवंश को म्लेच्छ पतित पामर मान को से माने उद्धार करिवे म्लेच्छ पतित पामर पापिष्ठ मान को विनाश करिवे तांक भितर धर्मर विकास करिवे ये 37 अंकरु 48 अंक पर्यंत
ब्रह्मांड भारान्वित होइजिबो तार भितरे प्रभु म्लेच्छ संघारण करिबे जेते धन द्रव्य जे रखिछंती साहित्यिकरी जो माने निजकु धनी बोलौछंती से मानंकर धन द्रव्य कु दुर्दशा पड़िबो सब विनाश होइजिबो सात दिन सात राति अंधार घटी जीव अन्न पानी किछि मिलिबो नाही जेते खोजिले मध्य खाद्य पानी मिलिबो नाही एही परि दुर्दशा एही परि प्रचंड खंड प्रलय आसुछि नव खंड मही रहिछि कि होइ लागुछि मोते कातर शास्त्र गीता श्लोक अप्रमिता न सुनिथिनि मु वेदे विष्णु शिव कोटि कल्प युग अनेक गलेणी बही जीते सामर्थ नाही नवद्वीपा मेदिनी नवखंड महीर दुर्दशा देखि अत्यंत कातर होइछंति संत कवि भीम भोई कहउछंति नवखंड मही रहिछि की होई कौन हे रहिछि ए मही लागुछि मते कातर मते दुख लागुछि केतेबेले ये धरणी संपूर्ण ध्वंस होइजिब हे साधु सुज्ञ जन माने ए कथा सुनी एबे ठारु संभाली हुओ एथर टिके निजकु संभाल आउ जेते प्रलोभन आसिले मध्य कुमार्गगामी हुअनी कुपथगामी हुअनी धर्म को टिके संभाल धर्म धारणे धरित्री रहिछि चारि जुगरे हे साधु सुज्ञ जन माने तुमे धर्म को धारण कर वेद शास्त्र गीता पुराण रे जो कथा जो ब्रह्म विद्या से ब्रह्म विद्या को अलेख महिमा बा महिमा अलेख कौन कले ना द्वितीक्षर पाद दुई अक्षर रे दुई पाद रे मोते देई देले एबे होई अछि उदे हं ख्यं सूत्र रे हंस सूत्र रे से उदे हेछि से ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ज्ञान मुकुल हाइ जाइछि जहाँ को ब्रह्मा विष्णु शिव कोटि कल्प युग धरि साधन करिछंति जहार अंगरे ब्रह्म कला थिव सेई ब्रह्म ज्योति को से साधन करिव से ज्योतिर्मय तत्व को से निश्चित भाव रे ध्यान करि अति भाग्य पूर्व सुकृत वासना तपस्या जाहार थीब पिंड गोटी माया अच्छी घोटी चाहूँ चाहूँ जीव सारी
बुझिले निर्णय बुझिले तेबे अछि पुण्य काम अति भाग्य बड़ भाग्य नहले पूर्व बासना नथिले बा सुकृत नथिले तपस्या नथिले पूर्व जन्मरु कारण से ब्रह्म को दर्शन करी पारिबो अथवा मातृगर्भ ज्ञान जहाँ थिबो हेतु थिबो आत्मज्ञान भक्ति थिबो से ही पाइबे से अलेख ब्रह्म को से ही महिमा को से दर्शन करिबे ये शरीर होची कौन ना मरणशील पिंड आज नहले काली चली जीव अद्य बा अब्द शतांते बा प्राणी नंग मरणं ध्रुवं मरण निश्चित मृत्युपिंड गोटी माया अच्छी घोटी चाहू चाहू जीव सरी अल्प काल रे ए देह मिलई जीव माया रे माया जल धीरे आउ जिए भजी पारिब सेई ब्रह्म को सेई अलेख ब्रह्म को जिए भजी पारिब ताहले जन्म मरण रु पारी होई जिबु निश्चित भावरे सेई अनंत भगवान को दर्शन करिबु भय को तेजिबु जहाँ निर्णय ना जहाँ निश्चय ताहा बुझिबु जदि पुण्य कामना अछि जदि प्रकृत रे धर्म को ग्रहण करिवार अछि ताहले अंतररु डाकुथिबो अलेख महिमा हृदय घोषुथिबो मुखरे सेई अलेखंकर दुई अक्षर नाम को दुई पाद नाम को जप करुथिबो ताहले ए जीव उद्धार होई जीवो आपणा मन आपकु धरिबो प्रसन्न होइबो जेबे सकल छाड़िले माया को एड़िले प्रसन्न होइब मन लोक कलेणी भाळेणी अवधूत बेश देखी ଏହି ମନ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇବ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଫଳ ଦେବ ସଦାନନ୍ଦ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦେ ଧରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଭସାଇବ ମନକୁ ତୁ ଚିହ୍ନ ବିଦ୍ୟୁ ଠାରୁ ବେଗ ତା ଗମନ ମନକୁ ଚିହ୍ନ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣା ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ବିଷୟା ବିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ ଆସକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ ନିଜ ଦେହ ଭିତରେ ନିଜେ ଅର୍ଥ କରୁଥିବୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପିଣ୍ଡରେ ପିଣ୍ଡକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହେଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବିଲେ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ
ପହଞ୍ଚାଇ ପିଣ୍ଡକର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଉପଜିବ। ଯେ ସମୟ ଆସୁଛି ଏ କଳିବଳ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସମସ୍ତେ ଭାଳିଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅବଧୂତ ବେଶ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ନିଜେ, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେବ। କେବେ ଦେଖ ଦେଖ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ୱରୂପ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ କଥା ସଜୀବ ମହି ନରହିବେ କେହି ସମସ୍ତେ ଭଜିବାସ ସଜୀବ ମହି ନରହିବେ କେହି ସମସ୍ତେ ଭଜିବାସ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି। ଏବେ ଦେଖ କଳିରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅବଧୂତ ଗୋସାଇଁ, ସେଇ ମହିମା ଅଲେଖ, ସେଇ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର କରିବେ। ନ ରହିବେ କେହି, କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆସ ଆସ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅଲେଖ ଗୋସାଇଁକି ଭଜନ କରିବା, ସେଇ ଅନାଦି ଗୁରୁଙ୍କର, ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ସୁଜ୍ଞ ଜନମାନେ, ଭକ୍ତ ଜନମାନେ, ଆସ ଆମେ ସେଇ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଧରାକୁ ନିଷ୍କଳ୍ମଶ କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଅପାପବିଦ୍ଧ କରିଦେବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଗ୍ରନ୍ଥର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ବୋଲି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଚତୁର୍ବିଂଶ ବୋଲି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।